हेलो डियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा पोएम है जो कि पोएट ने एक बेहतरीन ढंग से जीवन जीने की कला को के बारे में बताया है। चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं पॉइंट को। पहला है स्टैंजा, टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज ए न्यू बिगनिंग, इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। इन फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में पोएट बताता है टू बिलीव इज टू नो दैट, विश्वास करना चाहिए, टू नो या जानने का कि क्या चीज क्या, दैट की एवरी डे इज ए न्यू बिगिनिंग, कि प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत होती है। यानी हम आप में ये विश्वास होना चाहिए कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। नेक्स्ट इज टू ट्रस्ट, क्या विश्वास करना चाहिए कि मिरेकल्स हैपन, कि कुछ जादुई करामात या मिरेकल्स घटित होते हैं। एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू, और क्या स्वप्न जो हम आप देखते हैं कि वास्तव में वो सच होते हैं या नहीं। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये हम आप में विश्वास होना चाहिए क्या, कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है, जो सेकेंड लाइन कह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन कह रहा है इज ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपेंस में, कि यह बात सच है कि मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स घटित होते हैं, और हमारे जो स्वप्न हम आप देखते हैं वो भी सच होते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए, सेकंड में टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स, लोगों में विश्वास होना चाहिए कि एंजल्स होते हैं और वो बादलों में डांस करते हैं। ऐसा हम आप सोचते हैं, हम आप सपनों में सोचते हैं, बट इट इज ट्रू, ये सच है कि एंजल्स होते हैं और वो बादलों में के मध्य डांस करते हैं। नेक्स्ट टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई, अब यहां पे क्या बताया जा रहा है कि टू नो ए वंडर, या जानकर के आश्चर्य होना चाहिए कि ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई, कि आसमान में एक मैजिकल क्वालिटी होती है, एक जादुई गुण होता है। एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून, एंड विजडम और बुद्धिमत्ता होती है ऑफ द मैन, व्यक्ति की, इन द मून, चांद में। अर्थात इस लाइन में क्या बताया जा रहा है कि हम आप एक बार सोचे थे केवल कि चांद पे भी हमारा घर होगा या हम चांद पे भी पहुंच सकते हैं, और आज वो हमारा सपना सच हुआ कि आज हम, अर्थात पूरा मानव, अर्थात कहने का मतलब मानव जात चांद पर भी पहुंच गया है। तो अर्थात जो सपना हमने देखा था चांद पे पहुंचने का वो पूरा हुआ, तो ये विश्वास होना चाहिए। नेक्स्ट टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ ए नर्चरिंग हार्ट, अर्थात यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम आप में ये विश्वास होना चाहिए। किसमें विश्वास होना चाहिए? नर्चरिंग हार्ट। अब नर्चरिंग का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, ये है उसका मीनिंग, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट केयर एंड प्रोटेक्शन, अर्थात माँ है, पिता है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे गार्जियन हैं, वो हमारी आपकी सुरक्षा करते हैं या हमारी आपके लिए पौष्टिकता प्रदान करते हैं। अर्थात हर्ट मतलब प्रत्येक मानव के जीवन से लिया गया है, हर्ट का मतलब होता है मानव का जीवन। ओके, तो मानव के जीवन में प्रत्येक मानव को यह विश्वास होना चाहिए, या प्रत्येक व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए कि नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट, अर्थात दोज पर्सन, ऑलरेडी यू रिस्पेक्ट दोज पर्सन हु बॉर्न यू, हु ऑलरेडी प्रोवाइड यू दिस बॉडी, मींस ऑलरेडी यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आप हमेशा अपने पेरेंट्स का सम्मान करें जिसने आपको यह शरीर प्रदान किया है। ओके, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड आइज, बच्चों के आंखों में निर्दोषपन को देखना,
अर्थात ये विश्वास करना चाहिए कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वास्तव में बच्चे निर्दोष होते हैं, वो कोई चीज जानबूझ के गलती नहीं करते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट लाइन, द एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड, और उस सुंदरता को भी आपको ध्यान देना है। किस सुंदरता को? उन बड़े हुए कदम हाथों को, अर्थात जिन उंगलियों को पकड़ करके आप चले हो, अर्थात दादाजी की उंगलियां, पेरेंट्स की उंगलियां, पड़ोसी की उंगलियां, उन लोगों की उंगलियां जिन लोगों ने आपको पकड़ के चलना सिखाया। अर्थात कहने का मतलब, आप उस हाथ को, अर्थात उस बुढ़ापे को या उस सीनियर पर्सन को मत भूलिए, उनमें विश्वास रखिए। फॉर इट इज थ्रू देयर टीचिंग्स वी लर्न टू लव, जिसमें कि बताया गया है कि उनके अध्ययन के माध्यम से, अर्थात मैं आपको उदाहरण दूं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव ही सबसे बड़ा टीचर होता है, अध्यापक होता है। अर्थात हमारे पेरेंट्स जो सीनियर्स हो चुके हैं, वो हमको अपने जीवन में जीने की कलाओं के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनके जीवन में वो घटनाएं घट चुकी हैं और उससे वो एक सीख लिए हैं जो कि अपने बच्चों को वो सिखाते हैं। इसलिए हमें पेरेंट्स की उन बातों को, उन ज्ञान की बातों को स्वीकार करना चाहिए, और उसको जब हम स्वीकार करते हैं तो हमको मिलता क्या है? लर्न टू लव, और हम प्रेम करना सीखते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई गाली दे तो आप भी उसको गाली दो, नहीं। यहाँ पे अगर आपके साथ कोई गलत भी कर रहा है तो थोड़ा सा उसके साथ पोलाइटली बिहेव करो। नेक्स्ट स्टैंजा में बताया जा रहा है, टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ, यानी आप अपने अंदर ये विश्वास रखो कि मेरे अंदर वो ताकत है, एंड करेज, वो साहस है, स्ट्रेंथ है और करेज है, वो साहस है, दैट लाइज विद इन अस, जो कि मेरे अंदर पड़ा हुआ है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। जैसे कि कहा गया है कि हारी हिम्मत हारना नहीं चाहिए। ओके, व्हेन इट इज टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन, अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि जब कभी भी आप पूर्ण रूपेण बर्बाद हो जाओ, ध्वस्त हो जाओ, या आप असफल हो जाओ अपने जीवन में, तब आपको क्या करना है? निराश नहीं होना है और फिर से अपनी एक नई शुरुआत करनी है। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत प्यारी सी रचना है मधुशाला, मधुशाला में उन्होंने हमको एक जीवन जीने की कला को बताया है, जिसमें कुछ कड़ी आप अक्सर सुनते आए होंगे, क्या? कि लहरों से डलकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक उसी कविता को, उसी कड़ी को आपको यहाँ पे माइंड करना है, और पोएट हमको ये चीज बता रहा है कि जब आप कंप्लीटली बर्बाद हो जाओ या ध्वस्त हो जाओ, फिर भी आप अपने आस को मत खो, आप अपने आस को बनाए रखो। नेक्स्ट में देखिए, टू बिलीव इज टू नो, या विश्वास होना चाहिए, जानना चाहिए कि वी आर नेवर एलोन, कि हम कभी अकेले नहीं हैं, यानी हमारे आपके साथ कोई ना कोई है। लाइफ, दैट लाइफ इज ए गिफ्ट, जीवन एक स्वप्न है। लाइफ क्या है? जीवन एक स्वप्न की तरह है। ये इपिग्राम यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, और जिसको कि हम मेटाफर भी बोल सकते हैं। क्या है इसमें? लाइफ इज ए गिफ्ट में। ओके, जीवन एक तोहफा है, जीवन एक उपहार है, एंड दिस इज आवर टाइम टू चेरिश इट, और यह उपहार हमको दोबारा नहीं मिलेगा, यानी मानव का जीवन हमको दोबारा नहीं मिलेगा, ये जान करके इसके जीवन का पूरा आप आनंद उठाइए। अर्थात किसी भी प्रकार की समस्या आए तो समस्या से आप लड़िए, और अपने आप को ऐसा मत करिए कि आप उस समस्या से टूट जाओ और अपने आप कोई ना कोई घटना स्टैंड कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। टू बिलीव इज टू नो, यह विश्वास होना चाहिए, जानना चाहिए कि दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट, कि कुछ न कुछ आश्चर्यजनक क्या है? सरप्राइजेस हैं, वेटिंग टू हैपन, वो सरप्राइज क्या है जो कि हमारा आपका इंतजार कर रहा है कि वो हमारे आपके जीवन में घटित होगा। अर्थात कहने का मतलब, हमको आपको ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जीवन में, हमारे आगे आने वाले जीवन में जो कुछ भी घटने वाला है वो अच्छा ही
होगा एंड ऑल आवर होप्स और अपनी समस्त आशाएं एंड ड्रीम्स स्वप्न आर विद इन रीच। और ये जान के चलिए कि विद इन रीच मतलब कि ये पॉसिबल है टू अचीव, कि हम उस सारे स्वप्न को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कब? इफ ओनली वी बिलीव, यदि हम केवल विश्वास करते हैं तो। ओके, ये बहुत ही सुंदर रचना है जिसको कि मॉर्बिटजर ने लिखा है। थैंक यू डियर, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। यूनिट 1.1 अ टाइम टू बिलीव। वार्मिंग अप में आप देखिए पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है थिंक चूज एंड फील ऑफ द लेवल्स विद व्हाट अ सनराइज सिंबलाइज। यहाँ पे सूरज की किरणों के माध्यम से एक पॉइंट दिया गया है कि जिनमें कि दिए गए बॉक्स में हमको आपको भरना है। क्या भरना है कि सूरज की किरणें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, यानी क्या बतलाती हैं। तो जैसा कि आप वहां पे देख सकते हो ये दिया गया है, ये सारे पॉइंट्स में से आपको चुन करके इन समस्त 13 बॉक्सेस में आपको फिल करना है। तो बिना समय गवाए मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इसमें से आपको कौन सा फिल नहीं करना है, बाकी आप इनको सिस्टमैटिकली फिल कर दीजिएगा। जैसे फर्स्ट वन इज ज्वेलरी, ये आपको नहीं फिल करना है। नेक्स्ट वन इज एंगर, ये आपको नहीं फिल करना है। उसके बाद थर्ड वन उसी एंगर के नीचे है मिजरी, ये आपको नहीं फिल करना है। फर्स्ट कौन सा? ज्वेलरी। सेकंड कौन सा? एंगर। थर्ड कौन सा? मिजरी। ये तीन वर्ड्स आपको नहीं फिल करने हैं, बाकी 13 पॉइंट्स आपको इनमें से फिल कर देना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि ये यहां पे क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे फेथफुल है, जो कि एक एक्रोस्टिक का पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्रोस्टिक का मतलब होता है कि जैसे आप वर्टिकल वे में आपको मीनिंग निकालना है। जैसे यहाँ पे फ्रेंड का मीनिंग दिया गया है, ब्लू कलर में देखो फ्रेंड लिखा गया है, उसका मीनिंग है फेथफुल, रिलायबल, इंस्पायरिंग, करेजिंग, नोबल, डेडिकेटेड। इन द सेम वे उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे उसके दिया गया है जैसे कि ये पॉइंट है, इनमें आपको यहाँ पे कौन सा है, बिलीव, कौन सा पॉइंट है, बिलीव, और यहाँ कौन सा है, फेथ। इन दोनों पॉइंट को आपको एक रॉस्ट्रिप में भरना है, जैसे कि बी में क्या भरा गया है, पहला वाला बिलीव का बी में बी सर्टेन ऑफ। अब आपको नेक्स्ट वाले में भरना है, ई में आप लिखिए इनकरेज, एल में लिखिए आप लॉयल, आई के पास लिखिए आप इनोसेंट, ई में लिखिए एलिगेंट, वी वैल्यू या वैल्यूएबल, एंड लास्ट वन इजी ई में आप लिखिए एक्सीलेंट। ओके, नेक्स्ट आप एफ ए आई टी एच फेथ में आइए, तो एफ में आपको लिखना है फियरलेस। नेक्स्ट ए में आपको लिखना है एम, आई में आपको लिखना है इम्पोर्टेंट, टी में आपको लिखना है ट्रुथफुल या ट्रुथ, एंड लास्ट वन एच में आपको लिखना है हम्बल। ओके, आशा करते हैं ये दोनों पॉइंट आपकी समझ में आ गया है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स ऑकरिंग इन द पोएम। कविता में से आपको इन सारे वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, और ये थोड़ा डिस्टर्ब ऑर्डर में लिखे गए हैं, जिसको कि आपको सही ढंग से सेट करके इसके एक मीनिंगफुल वर्ड को बनाना है।
जैसे कि फर्स्ट में आपको भरना है मिरेकल्स, क्या लिखोगे? मिरेकल्स। सेकेंड में आपको लिखना है विजडम, क्या लिखेंगे? विजडम। थर्ड वन इज सरप्राइजेस, फोर्थ वन इज सरप्राइजेस एंड थर्ड वन इज करेज, सॉरी थर्ड में करेज, फोर्थ में सरप्राइजेस, फिफ्थ में ब्यूटी, सिक्स में आपको भरना है ड्रीम्स, सेवन वैल्यू, एट वंडर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमें यह बी नंबर पॉइंट में देखिए, राइट द वर्ड्स इन द पोएम दैट डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग। अब यहाँ पे डियर आपको ध्यान देना है, ये क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है, मींस आपको लिखना है उसका क्या, जो कि हम कह सकते हैं एडजेक्टिव। ओके, आपको एडजेक्टिव उसका भरना है, इज दैट क्लियर? अब आप देखिए एडजेक्टिव में स्काई को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, पोएम को आप पलट के देख लीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टारडस्ट, क्या लिखोगे? स्काई में स्टारडस्ट। हर्ट, हर्ट कैसा है? नर्चरिंग। हर्ट कैसा है? नर्चरिंग हर्ट। हैंड कैसा है? एजिंग हैंड। फोर्थ, बिगनिंग कैसा है? न्यू, बिगनिंग में आप भरोगे न्यू। फिफ्थ वन सरप्राइजेस, सरप्राइज कैसा है? वंडरफुल, कैसा है? वंडरफुल। ओके, नेक्स्ट अब आप सेकेंड पॉइंट में देखिए, से व्हाई। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये क्यों कहा गया है। ओके, अब इसमें आपको क्या भरना है वो मैं आपको बोल दे रहा हूं, वो आप फिल कर लीजिएगा। ओके, तीनों पॉइंट में आप देखिए कि आपको क्या भरना है। सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट में आप लिखिए आपको क्या लिखना है, उसमें नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके पास कॉपी पेन है तो। वी कैन सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स, sky has mysterious man with his belief this made way for moon। okay, next second में आपको भरना है, second point में आप लिखिए an aging hand implies that the elders loved us, cared for us and taught value teaching name have value teaching have got beauty in their hands। okay, now last C point, C में आप भरिए even in our bad with we should believe in ourselves that we are strong and courageous and are able to set a new beginning। okay, तीनों पॉइंट आपने भर लिया, चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में आप थर्ड में देखिए, मेक ए लिस्ट ऑफ सिक्स थिंग्स दैट कैन दैट द पोएट वांट्स अस टू एक्सेप्ट एज ट्रू, अर्थात आपको छह बातें बताना है जिसको कि कवि यहां पे स्वीकार कर रहा है। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट ए में आप लिखिए द एवरीडे इज ए न्यू बिगनिंग, फर्स्ट में आपने लिखा ए में। बी पॉइंट में लिखिए दैट मिरेकल्स हैपेंड, दैट मिरेकल्स हैपेंड। नेक्स्ट सी पॉइंट में आप लिखिए द ड्रीम्स कम्स ट्रू, द ड्रीम्स कम्स ट्रू। ओके, अब आप इसमें डी पॉइंट में अलग से आप बनाइए और उसके अंतर्गत लिखिए दैट देयर आर एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स, दैट देयर आर एंजल्स
डांसिंग एमंग द क्लाउड्स। ओके, ई में आप लिखिए, ई नंबर डालिए और उसमें लिखिए, आप लिखिए दैट द स्काई हैज द मैजिकल क्वालिटी, दैट द स्काई हैज द मैजिकल क्वालिटी। ओके, एफ में आप लिखिए दैट देयर इज अ मैन इन द मून हु इज वाइज, दैट देयर इज अ मैन इन द मून हु इज अ वाइज। ओके, आप आशा करते हैं आप थर्ड पॉइंट तक कंप्लीटली पूरा कर लिए होंगे। पॉजिटिव क्वालिटी आपको भरना है, जो कि कविता आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट में अब आप देखिए, फर्स्ट में हम आपको बताते चल रहे हैं क्या भरना है। सबसे पहले इसमें आप भरिए, फर्स्ट में स्ट्रेंथ, सेकंड में करेज, थर्ड बिलीव, फोर्थ वंडर, फिफ्थ टू वैल्यू एंड टू एक्स्ट्रा। आप यहां पे और यहां पे मान लीजिए एक और दो, ये मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं। एक्स्ट्रा है आपका लव, और यहां पे क्या है आपका विजडम। ओके, विजडम। तो ये आपके मैंने फोर पॉइंट क्लियर किए। नाउ फिफ्थ पॉइंट में आप देखिए क्या बताया जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट में जो कि ग्रामर का पोर्शन है, फिगर ऑफ स्पीच हमसे पूछा जा रहा है। अब फिगर ऑफ स्पीच में पॉइंट नंबर ए में क्या है, टू बिलीव इज टू एंजल सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स। अब यहां पे ध्यान देना है डियर, कौन कौन नाच रहा है, एंजल्स। कहां नाच रहा है, क्लाउड्स के मध्य में। अब यहां पे हमको क्या करना है, विश्वास करना है। अब यहां पे एंजल्स क्या है, ये एंजल्स क्या है, नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग, जिसको हम बोलते हैं निर्जीव। ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है और वो काम क्या कर रही है, डांसिंग का। अर्थात डांस कौन करता है, जो व्यक्ति जिंदा होता है, लिविंग थिंग्स। ओके, लिविंग थिंग्स डांस करते हैं। तो यहां पे ये पॉइंट बताया जा रहा है, लिविंग थिंग्स डांस करते हैं अर्थात जब कोई भी निर्जीव वस्तु सजीव की तरह कार्य करता है तब वहां पे पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। अर्थात जब कोई ह्यूमन की तरह एक्टिविटी करे तो वहां पर्सनिफिकेशन होता है। सेकेंड बी पॉइंट में, टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज ए न्यू बिगिनिंग, मतलब यह विश्वास करना चाहिए कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। और सी में भी वही, टू बिलीव इज टू नो दैट डॉट लाइफ इज ए गिफ्ट। इन दोनों पॉइंट में आपको एक फिगर ऑफ स्पीच मिल रहा है, वो है क्या, एपिग्राम। ओके, एपिग्राम है लाइंस इन पोएट्री सच एज अबव द स्टेट जनरल ट्रुथ, जो कि सत्यता बतलाता है, एंड कैन बी यूज्ड एज सेइंग और कोट्स, जो कि सेइंग कहता हुआ या कोट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसे वर्ड्स को या ऐसे सेंटेंसेस को हम एपिग्राम के अंतर्गत रख सकते हैं। अब ये आता किसमें है, लाइफ इज ए गिफ्ट, जीवन एक क्या है, तोहफा है। अब ये हम मेटाफोर भी इसको बोल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या करा है, फाइंड फ्रॉम द, यहाँ पे देखिए, फाइंड फ्रॉम द पोएम थ्री अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द एपिग्राम, यानी आपको अपने टेक्स्ट बुक से तीन और एपिग्राम फाइंड आउट करने हैं। तो वो तीनों एपिग्राम के लाइंस मैं आपको बता दे रहा हूं, वो आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले वाले में आप लिखिए, पोएट्री में आपको फाइंड आउट करना है, या पोएट्री आप ओपन कर लीजिए, उसमें इंडिकेट कर लिए जिस लाइन को मैं पढ़ रहा हूं, उस लाइन को आप फाइंड आउट करिए। पहला है, टू बिलीव इज टू फाइंड डॉट डॉट लाइज विद इन अस, डॉट डॉट लाइज विद इन अस, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तो पहला है क्या, टू बिलीव इज टू फाइंड डॉट लाइज विद इन अस। ओके, नेक्स्ट सेकेंड में आप लिखिए, टिक मार्क कर लीजिए, टू बिलीव इज टू नो
डॉट डॉट लाइफ इज ए गिफ्ट। आपको क्या ध्यान देना है, लाइफ इज ए गिफ्ट, जिस पैसेज में स्टैंजा में लाइफ इज ए गिफ्ट है उस वो आपका एपिग्राम है। थर्ड में देखिए, टू बिलीव इज टू नो डॉट वेटिंग टू हैपन, वेटिंग टू हैपन। तो मैंने आपको ये तीन पॉइंट्स पोएम से सर्च करके बता दिया है, वो आपको कंप्लीट करना है। ओके, आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। नाउ सिक्स पॉइंट लास्ट में क्या बताया, डिवाइड द क्लास इनटू फाइव ग्रुप्स, ईच ग्रुप्स कैन प्रिपेयर ए डेकोरेटिव चार्ट पोस्टर यूजिंग द एपिग्रामेटिक लाइन फ्रॉम द पोएम। यू मे यूज कैलीग्राफी पेंटिंग और पेंट प्रोग्राम ऑन ए कंप्यूटर विद परमिशन, पुट दीज चार्ट इन योर स्कूल।